स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी मीडियम स्कूल में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जहां छात्र छात्राओं ने स्वामी विवेकानंद की पूजा अर्चना की। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों ने स्वामी विवेकानंद के जीवनी के बारे में बताया। बता दें कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनका जन्म 12 जनवरी को कोलकाता में हुआ था। वहीं उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वहीं सिर्फ 25 साल की उम्र में ही नरेंद्रनाथ ने अध्यात्म का मार्ग अपना लिया था। आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के बाद उनको स्वामी विवेकानंद नाम से जाना जाने लगा। जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम विद्यालय देवर मीजा में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में प्रकाश डाला गया। बच्चों के द्वारा भी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अपना वक्तव्य दिए और साथ ही हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के नारा उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति होते तक रुको मत, इस संबंध में उनको पूरा विस्तृत जानकारी दिया गया। इस तरह से आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। जैसा कि आज सबको पता है कि आज विवेकानंद जी का जयंती है, जो 160वीं जयंती के तौर पे मनाया गया है हमारे स्कूल पे, और हमारे शिक्षकों ने और बहुत ही हमारे अनुभवी छात्रों ने भी विवेकानंद जी के बारे में बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई जो आज के युवाओं के प्रेरणा के लिए बहुत लाभदायक है।